इस देश में हंसना भी है एक गुनाह, मिलती है कड़ी सजा। कम बोलना कुछ लोगों की आदत हो सकती है, लेकिन पूरा देश ही कम से कम बात करे, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लात्विया यूरोप का ऐसा देश है जिसे कम बोलने वालों का देश कहा जाता है। कम बोलना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, हालांकि लात्वियन खुद इसकी निंदा करते हैं। लात्वियन मिजाज से काफी क्रिएटिव होते हैं। कुछ लोग कम बोलने और रचनात्मक सोच में रिश्ता तलाशते हैं, इसे लात्विया की खासियत मानते हैं। हाल में लंदन बुक फेयर में एक लात्वियन कॉमिक बुक चर्चा में रही। इसे लात्वियन लिटरेचर संस्था ने तैयार किया था। दरअसल ये किताब इस संस्था की आई एम इंट्रोवर्ट मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम को शुरू किया है लात्विया की लेखिका अनेते कोनस्ते ने। इनके मुताबिक कम बोलना, लोगों से कम मिलना जुलना अच्छी आदत नहीं है। जहां सारी दुनिया एक मंच पर आ गई है, हर विषय पर लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, वहां खामोश रहना नुकसान दे सकता है। लोगों को अपनी आदत बदलने की जरूरत है। लात्विया के लोग इतने खुदपसंद और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले क्यों हैं? इस पर एक रिसर्च की गई। पाया गया कि कम बोलने की आदत ज्यादातर उन लोगों को है जो रचनात्मक कामों जैसे कला, संगीत या लिखने के काम से जुड़े हैं। लात्विया के एक मनोवैज्ञानिक के मुताबिक क्रिएटिविटी लात्विया के लोगों की पहचान के लिए जरूरी है, इसीलिए यहाँ के लोग कम बोलना पसंद करते हैं। उनका जहन हर वक्त नए ख्याल सोचता रहता है। दरअसल लात्विया की सरकार ने शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए रचनात्मक सोच को प्राथमिकता दी गई है। यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन मार्केट में रचनात्मक काम करने वाले सबसे ज्यादा लात्विया के लोग हैं। लात्विया के लोग न सिर्फ कम बोलते हैं बल्कि एकांत पसंद होते हैं। एक दूसरे से मुखातिब होने पर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं बिखरती, अजनबियों को देखकर तो बिल्कुल ही नहीं। लात्विया के लोग कम बोलने वाले और एकांत पसंद जरूर हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जरूरत पड़ने पर वो किसी की मदद नहीं करते। अगर आप कभी किसी मुश्किल में होंगे तो वो खुद आगे बढ़कर आपकी मदद कर देंगे। लात्विया के लोग मानते हैं कि कम बोलना सिर्फ इनके कल्चर का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड के लोग तो उनसे भी ज्यादा एकांत पसंद हैं। यहाँ एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है, लात्विया की आबादी में तमाम तरह के लोग रहते हैं। यहाँ बहुत से दूसरे देशों के लोग भी रहते हैं जिनकी भाषा और संस्कृति लात्विया की संस्कृति का हिस्सा बन गई है। लात्विया में बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग भी रहते हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक ये सोवियत संघ का हिस्सा रहा था। इनमें से भी एक पीढ़ी ऐसी है जो सोवियत यूनियन के उस दौर की है जब लोगों पर हर तरह से नजर रखी जाती थी, साथ ही उन पर एक जैसी जीवन शैली थोपी जाती थी। लात्विया की भौगोलिक स्थिति भी इस तरह के मिजाज के लिए जिम्मेदार है। यहाँ घने जंगल हैं और आबादी कम है, लिहाजा एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए लोगों के पास भरपूर जगह है। लात्विया के लोग प्रकृति प्रेमी हैं। वो अक्सर शहरों से दूर जंगलों में जाकर कुछ वक्त गुजारते हैं। वो लकड़ी के मकानों में जरूरत भर के सामान के साथ गुजारा करते हैं। हालांकि जंगलों में वक्त बिताने की ये परंपरा 20वीं शताब्दी में सोवियत सरकार के समय ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी कुछ हद तक ये परंपरा जारी है। आर्किटेक्चर ओजोला के मुताबिक 1948 से 1950 के बीच लात्विया में दूर दराज इलाकों में रहने का चलन 89.9% से घटकर 3.5% रह गया था। एकांत पसंद होने के बावजूद दिलचस्प बात यह है कि लात्विया की बड़ी आबादी मॉडर्न अपार्टमेंट में रहती है। आंकड़ों को जमा करने वाली वेबसाइट यूरोस्टेट के मुताबिक यूरोप की जितनी आबादी अपार्टमेंट में रहती है उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ लात्वियन लोगों का है। वहीं रियल स्टेट कंपनी एकटोरनेट के सर्वे के मुताबिक 2/3 से ज्यादा आबादी अलग थलग प्राइवेट घरों में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लात्वियन लोगों को एकांत में रहने की आदत के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लात्विया में बाहरी लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और मूल लात्वियनों की आबादी कम हो गई है। नतीजतन मूल लात्वियनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कभी आपको लात्विया जाने का मौका मिले तो वहाँ की खामोशी से घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जब वहाँ के लोगों से दोस्ती हो जाएगी तो आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। लात्विया के लोग जब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो उसे दिल से निभाते हैं।